फ्रेंड्स, आप लोग अच्छा है, रहो, खुश रहो और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज मैं ये जो देख रहे हो जैकफ्रूट सीड्स में लिया हूँ मैं, इसको एक अलग टाइप का एक रेसिपी बनाए के आप लोग जरूर वीडियो अंत तक देखते रहे ना। जैकफ्रूट सीड्स का बहुत सारे वेजिटेबल आप लोग बना के खा सकते हो, तो मैं अलग टाइप का एक रेसिपी बनाएंगे। ये भी मैं बीज बराबर इसको थोड़ा सा होल कर रहा हूँ मैं साकू से जैकफ्रूट सीड्स को पहले। मैं ज़्यादा जैकफ्रूट सीड्स नहीं लेंगे, जितना जो यूरिया मैं उतना ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा होल खोल के चाकू से मैं इसको बीज बराबर होल खोल दे रहा हूँ मैं। मैं इसी तरह बस इतना चल लिया हूँ मैं, बड़ा बड़ा जैकफ्रूट सीड्स का लेके मैं इसको बीज बराबर होल खोल दिया हूँ मैं चाकू से। हो गया इसको, तो अभी मैं गैस ऑन करके इसको बांध करेंगे, इसके ऊपर मैं रख के इसको बांध करेंगे। ये जो देख रहे हो जैकफ्रूट सीड्स, बस मैं रख दिया मैं इसके ऊपर। अभी मैं धीरे धीरे करके इसको बांध करेंगे। हो रहा है धीरे धीरे करके, आप लोग जरूर खाते होंगे इसी तरह, बा कोई वेजिटेबल के साथ मिक्स करके आप लोग जरूर खाते होंगे। हर तरह का वेजिटेबल आप लोग बना के खा सकते हो जैकफ्रूट सीड्स। मैं आज अलग टाइप का जैकफ्रूट सीड्स रेसिपी बनाएंगे, तो मैं उसको रिवर्स करके दिया हूँ, मैं रिवर्स करके इसको बांध कर रहा हूँ अच्छे से बांध करना पड़ेगा, नहीं तो खाने से अच्छा नहीं लगेगा। तो बांध हो गया अच्छे से, अभी इसको मैं प्लेट के ऊपर डाल ले रहा हूँ। हो गया, ये देख रहा हूँ अच्छे से मैं बांध कर दिया मैं। अभी मैं इसके ऊपर जो बाहर का हिस्सा है इसको मैं फेंक दे रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके अच्छे से। वो तो खा नहीं सकेंगे ना, इसलिए मैं बाहर का हिस्सा फेंक दे रहा हूँ मैं, इसको खाने का ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको फेंक देना चाहिए बाहर का हिस्सा। अच्छे से मैं बांध कर दिया मैं इसको, मैं अच्छे से मैं क्लीन करके मैं रख दे रहा हूँ। और इसको पानी से क्लीन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बांध कर दिया हूँ और पानी से वॉश करने का ज़रूरत नहीं है। वॉश करने से अच्छा नहीं लगेगा, फिर दूसरा ये हो जाएगा, अलग टाइप का हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग अगर ट्राई करते हो तो इसी तरह आप लोग बना के रेसिपी बना सकते हो। तो मैं ये देख लो अच्छे से मैं कर दिया हूँ, बाहर का हिस्सा फेंक दिया मैं। थोड़ा सा बांध हो गया ऊपर वाला हल्के से, लेकिन ज़्यादा नहीं, अच्छे से बांध करना पड़ेगा, नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इसको क्लीन कर दिया हूँ, बाहर का हिस्सा फेंक दे के। तो मैं ये जो देख रहे हो, मैं वन ओनियन और चिली, फोर चिली लिया हूँ। इसके साथ मैं पहले इसको फेस करेंगे चिली को डाल दे रहा हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा ओनियन लेंगे, मैं हाफ वन ओनियन लिया था, ज़्यादा नहीं देंगे। आप लोग ओनियन भी दे सकते हो, कभी कभी आप लोग थोड़ा सा हल्का सा मस्टर्ड ऑयल भी दे सकते हो। मैं थोड़ा सा सॉल्ट लिया हूँ मैं चिली को फ्रेश करने के लिए। सॉल्ट देने से जल्दी चिली फ्रेश होता है, थोड़ा सा सॉल्ट देने से आप लोग
चिली फिश कर सकते हो, जल्दी फिश हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट दिया हूँ। और स्वादिष्ट के लिए भी ज़रूरी है सॉल्ट देने का। तो दोनों काम हो गया, फिश भी हो गया और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देना चाहिए सॉल्ट, स्वाद अनुसार आप लोग दे सकते हो। तो हो गया चिली फिश। अभी मैं ओनियन को काट के देंगे, मैं ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। अगर आप लोग खाने का मन करते हो तो और भी थोड़ा सा दे सकते हो, मैं इतना सा लेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा छोटा पीस करके मैं काट रहा हूँ चाकू से। बस हो गया। अभी इसको चिली फेस के अंदर डाल दे रहा हूँ मैं। आप लोग जरूर इसी तरह ट्राई कर सकते हो, खाने का बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा ही है खाने का। तो इसके ऊपर मैं एक एक करके जैकफ्रूट चीज को मैं डाल दे रहा हूँ मैं। इसको अच्छे से मैं फेस करेंगे। ये ऑल ऑफ टाइप का रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो। तो डाल दिया मैं, अभी इसको मैं फेस करेंगे अच्छे से धीरे धीरे करके। और सॉल्ट देने का जरूरी नहीं, पहले मैं चिली के जब चिली फेस किया था तब उसी टाइम में सॉल्ट दिया था। इसको धीरे अच्छे से मैं फेस कर दूँ, अच्छे से इसको फेस करना पड़ेगा एकदम, जिस तरह मैं चिली फेस किया उसी तरह आप लोग इसको फेस कर सकते हो। बस फेस हो गया। एकदम मैं अच्छे से देख रहा हूँ, एकदम अच्छे से मैं फेस कर दिया हूँ चिली के साथ, चिली ऑनियन। बस और कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं। इसी तरह आप लोग हॉट राइस के साथ बहुत सारे खा सकते हो। जब खाने का मन करता है तो हम लोग इसी तरह रेसिपी बना के खाते हैं। तो मैं छोटा सा प्लेट लिया मैं इसके ऊपर, ये जैकफ्रूट रेसिपी सीड्स का रेसिपी में रखेंगे धीरे धीरे करके। एकदम अच्छे से मैं फेस कर दिया हूँ मैं। और इसको हॉट राइस के साथ खाएंगे। ये अलग टाइप का रेसिपी है, जैकफ्रूट सीड बहुत सारे वेजिटेबल के साथ आप लोग पका के खा सकते हो, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैं आज एक अलग टाइप का रेसिपी बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस हो गया एकदम अच्छे से। इसको अच्छे से मैं फेस कर दिया मैं एक सिली के साथ, अच्छे से फेस भी हो गया। आज अभी मुझे खाने का मन कर रहा है, इसको देख के बहुत स्वादिष्ट है। अभी थोड़ा मैं खा के देख रहा हूँ अच्छे से हो हुआ कि नहीं। बस हो एकदम अच्छे से हो गया, स्वादिष्ट हो गया। अभी इसको हॉट राइस के साथ खाएंगे। ओके दोस्तों, इसी तरह मेरा जैकफ्रूट सीड्स रेसिपी कंप्लीट होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहेगा। आप लोग खुश रहे, अच्छे रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय।